आप लोगों ने पायलट्स को एयरप्लेन कंट्रोल करते हुए देखे होंगे, लेकिन पायलट्स एक्यूरेटली डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रूट्स को कैसे प्लानिंग करते हैं, तो आज हम इसी एयरप्लेन नेविगेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंपलीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। एयर नेविगेशन का मेन प्रिंसिपल ये है कि वो जनरल नेविगेशन को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें प्लानिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग और एयरक्राफ्ट मूवमेंट कंट्रोल भी होता है। सक्सेसफुल एयर नेविगेशन में पायलट्स को एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है और एयरप्लेन का सेफ्टी का भी ध्यान में रखना पड़ता है। एयरक्राफ्ट काफी हाई रिलेटिव स्पीड में ट्रैवल करता है, तो जिससे उसका नेविगेशन सरफेस क्राफ्ट से डिफर करता है। एयर नेविगेशन टेक्निक्स VFR एंड IFR के ऊपर डिपेंड होता है। यूजुअली पायलट्स एक्सक्लूसिव इंस्ट्रूमेंट जैसे रेडियो नेविगेशन एंड रडार की मदद से नेविगेट करता है, समटाइम्स GPS ट्रैकर की मदद से भी नेविगेट करता है। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को रूट को चूज करना पड़ता है, ताकि वो डेंजरस और रिस्ट्रिक्टेड एरिया को अवॉइड कर सके। इस रूट को मैप के ऊपर मार्क करना पड़ता है एंड इसी रूट पे नेविगेट करते हैं। नेविगेशन का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है एयर मैग्नेटिक कंपास। इससे पायलट्स को डायरेक्शन को पता करने में आसानी होता है। अगर प्लेन नाइट टाइम में फ्लाई कर रहा है तो पायलट्स को काफी अलर्ट रहना पड़ता है और डायरेक्शन को एक्यूरेटली फॉलो करना पड़ता है। पायलट्स को विजुअल रूलर ग्राउंड से मैप को रेगुलरली कंपेयर किया जाता है, ताकि वो इंश्योर हो सके कि वो करेक्ट डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं। अगर बैड वेदर की वजह से डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा तो उसे हम अनप्लैनड लेग कहते हैं। ऐसे करने से पायलट को पूरी परमिशन नहीं मिलती, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैप के अनुसार डायरेक्शन और एंगल को फॉलो करते हैं, रेगुलरली ग्राउंड मैप से कंपेयर करते हैं और फिक्स्ड रूट को फॉलो करते हैं, तो इसे हम प्लैंड लेग कहते हैं। कुछ डाइवर्जेंस टेम्पोररी होते हैं। अगर कोई स्ट्रोम क्लाउड आ गया तो पायलट्स एरोप्लेन को टेम्पोररी टर्न कर सकते हैं। अगर स्ट्रोम क्लियर हो गया तो वापस पायलट उसी डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये था एयर नेविगेशन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एरो सिंपलीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।